अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, आज मैं अपने किचन में आप लोग के लिए बना रही हूँ बैंगन का भरता। बहुत मज़े का बनता है। ये स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने यहाँ बैंगन लिए, इसको उबाल लिया है और इसका भरता बना लिया है। यहाँ प्याज लिया है मैंने तकरीबन 1 दरमियानी, और मैंने इसे ये पहले से फ्राई हुई भी है। मैंने 1/4 यहाँ कप घी डाला है, तेल डाला है, ऑयल, और मैंने इसमें ये डाल रही हूँ तकरीबन 2 दरमियाने साइज। अगर आप टमाटर को चॉप्ड करेंगे तो 2 दरमियाने कर लीजिएगा। इसमें साथ ही आपने फटाफट इसको भून लेना है, ठीक है, टमाटर को साथ। इसी के साथ ज़ीरा लेंगे हाफ साबुत, हाफ टी स्पून कलौंजी लेंगे, हाफ टी स्पून सौंफ लेंगे, हाफ टी स्पून, थोड़ा सा इसमें से अच्छी तरीके से 1 मिनट तक भूनेंगे। फिर उसके बाद हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। हसबे जायकर नमक जाएगा इसमें, ये मैंने नमक डाल दिया है इसमें। अब इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ। हल्दी जाएगी 1 टीस्पून इसमें भर के, कुटी हुई जो क्रश है हमारे पास लाल मिर्च है ये जाएगी। साथ में हमने इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून या 1, अगर तेज खाते हैं तो 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लेंगे, ज़ीरा पाउडर लेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। बस ये इसमें मसाले होंगे, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से भून लें, इसमें खुशबू आने लगे। जो हमने इसमें कलौंजी और ये डाला है ना, इसमें सौंफ, बहुत अच्छी इसकी भरते में बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, ये जो भरता है ये देखिए, ये मैंने इसको पहले क्रश करके रख लिया था। सो 2 मिनट मसाले को भूनने के बाद हम इसमें अच्छी तरीके से इसको मिला लेते हैं, ठीक है। और इसको हमने बगैर पानी डाले कम से कम 2 मिनट इसको भूनना है हमने। वैसे कि यकजान हो जाए, मुझे ऐसे 2 मिनट हो गए भूनते हुए। मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी, आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा अगर तेज़ पसंद नहीं करते तो 1/4 टीस्पून डालिएगा। बिल्कुल जब ये तकरीबन पकने वाले फॉर्म पर होगा जब, और चाट मसाला इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून। ये देखिए चाट मसाला 1/2 टीस्पून डालिएगा, बड़ा अच्छा इससे टेस्ट आएगा, उन पर ही टेस्ट आएगा इसमें भरते में आपके। बहुत मज़े का भरता बनता है ये ना, आप इसको ज़ीरा राइस के साथ खाएं या चपाती के साथ, पराठे से भी बड़ा मज़े का लगता है ये। और मैं अमूमन इसे दोपहर में ही बनाती हूँ, हम लोग के यहाँ दोपहर में ये रोटी से ही खाया जाता है, ठीक है। इसे मज़ीद हम 2 मिनट और दम देंगे और फिर मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये तैयार है बहुत अच्छी तरीके से। मैंने इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लिया है, मैंने ढक दिया था इसे। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। ये देखिए फाइनली व्यूअर्स, ये मेरा बैंगन का भरता बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही मज़ेदार बना है, लजीज बना है, और मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बना के मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कैसा बना। अच्छी सी रेसिपी लेके मैं नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।